हेलो इंडियन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो कल वैसे वीकली एक्सपायरी थी, मोमेंटम काफी अच्छा मिल सकता है और मार्केट जैसे उठे को क्या है ना, जैसे जब भी मार्केट को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देना होता है, तो मार्केट एक गैप अप के साथ में एक रेंज को ब्रेक करता है। तो अभी धीरे क्या हो रहा है ना, मार्केट आप देखेंगे अगर डेली है ना, एक रेंज के साथ ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट अप साइड में, मतलब ठीक है। और डाउन साइड में भी ऐसा होता है कि मार्केट एक रेंज में एकदम से निकलता है तो अच्छा खासा गैप अप गैप डाउन के साथ में रेंज ब्रेक करता है। तो वो चीजें भी चल रही है, मार्केट धीरे करते करते निफ्टी 17,800 के आसपास वहां पे आ चुका है। अब कंडीशन देखते हैं यहाँ पे कि क्या रहता है यहाँ पे। तो कल के लिए पहला रिजेक्शन लेवल हमारा ये रहेगा आज का, जो हमारा 17,817 के आसपास, ठीक है। और बीच में यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल इस जगह पर आएगा। सपोज करो इस जगह के बीच में यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो ये वाला पहला हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा 17,772 के आसपास। और फिर यहाँ पे ये इसको लेवल हमारा सेकेंड आ जाएगा 17,736 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाएगा सपोर्ट का इस जगह पर। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 17,657 के आसपास आने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे। इसके बीच में एक यहाँ पे लेवल बनेगा ये वाला 17,686 का, ठीक है। तो ये होगा हमारे कल के लिए सपोर्ट। रिजेक्शन लेवल कहाँ सकता है, पहले अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 17,854 तक आराम से जा सकता है निफ्टी आराम से इसमें कंडीशन में, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 17,894 तक भी जाने के चांस रहेंगे, 17,900 तक ग्राउंड फिगर में लेवल वहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो उससे पहले कीजिए FIA का डेटा देखना, कंटिन्यू अभी इसमें बाइंग आ रही है, FIA कंटिन्यू धीरे करके उसमें बाइंग कर रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर की। कई चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में पहले भी, तो चीजें अभी इंप्लीमेंट हो भी धीरे करके यहाँ पे मार्केट। अब इसमें देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। एक बैंक निफ्टी में देखो एक ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, मतलब देखो जब भी नीचे तरफ आ रहा है यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वापस ऊपर मोमेंटम दे रहा है। तो ये तो हुआ एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे। इसके अलावा देखना 41,500-46,600 के, मतलब 41,600 के यहाँ के एक लेवल को देखना। अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड में फिर यहाँ पे लेवल मिल सकते हैं हमें 41,736 का। सेकंड आएगा हमारा 41,852 का। फिर नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा 42,000 का लेवल, जो राउंड लेवल है यहाँ पे राउंड फिगर में, ठीक है। तो वो लेवल हमारा हो जाएगा यहाँ पे रिजेक्शन का। और यहाँ पे अगर इसमें सबसे पहला सपोर्ट लेवल कहाँ बनेगा, अगर मिड में इसे ओपन होता है तो हमारा पहला रेंज जाएगा सपोर्ट का वो है 41,461 के यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड हमारा रहेगा 41,390 के आसपास का, जो हमारा लेवल रहेगा ये वाला लेवल हमारा हो जाएगा सपोर्ट का। उसके बाद आएगा 41,216। अभी अग्रेसिव होके ना पुट के लिए कोई प्लान मत करना, आज TCS के रिजल्ट आए तो ओके के रिजल्ट है, मतलब उसके बेस पे देखना IT किस तरीके से इंपैक्ट डालता है। तो अगर IT चलेगा तो मिड कैप पे ज्यादा फोकस रखना, IT की मिड कैप पे, जैसे परसिस्टेंट हो गया, LTI माइंट्री हो गया, एम्फेसिस हो गया, KPIT हो गया, इस तरह के शेयर्स पर फोकस रखना, क्योंकि उसमें फिर बाइंग ज्यादा अच्छी बात है, मोमेंटम ज्यादा अच्छा मिल सकता है उसमें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।